जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अपने मानव जीवन के दैनिक कार्यों में एक कार्य ऐसा जरूर करें जिससे आपको मिलेगी अपूर्व सफलता और अपूर्व शांति। कौन से ये दो कार्य हैं जो कि बहुत साधारण हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को कुछ सेकंड के टाइम की आवश्यकता है। ज़्यादा टाइम की भी ज़रूरत नहीं, कोई मंत्र आदि विधान की भी ज़रूरत नहीं, केवल और अपने कुछ जो आदर्श हैं, अपने प्राचीन जो सनातन संस्कृति के नियम हैं, उन नियमों को एक बार अनुसरण करना है, पालन करना है, और देखेंगे आपके जीवन में कितनी सफलताएं आपको प्राप्त होने लगेंगे। हम अपने जीवन को बड़े आनंद से जीवित जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। हर आदमी का उद्देश्य यही है कि हमारा जीवन सुखी और सफल रहे। इसके साथ में क्या एक ज़रूरी चीज़ है, जब हम घर से निकलते हैं तो आपको पता है, सब लोगों को पता है कि इतनी जहाँ पर विज्ञान की चमत्कारियाँ बढ़ रही हैं, वहाँ पर हमारे जीवन में खतरे भी बढ़ रहे हैं। रोड एक्सीडेंट आदि होना, चोरी डकैती आदि होना, या अन्य प्रकार के हमारे मार्ग में संकटों का सामना आना, इस प्रकार के कुछ विधियों को, इस प्रकार के कुछ व्याधाओं को, कष्टों को निवारण करने के लिए एक सुगम घरेलू उपाय है। उसको करने से हमारे जीवन में एक, आप देखोगे अनुभव करके, कि बहुत ही समृद्धि और शांति की प्राप्ति होगी। उससे पूर्व मैं चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन भी दबाएं, और हमारे इसमें कमेंट्स देना एवं लाइक्स करना बिल्कुल ना भूलें। अब मैं बता रहा हूँ क्या ज़रूरी कार्य है। जब हम घर से निकलते हैं, किसी को ऑफिस में जाना है, किसी को अपने व्यापार में जाना है, किसी को अपने प्रोफेशनल कार्य में जाना है, किसी को अपने शैक्षणिक कार्यों के संबंध में, या किसी को अपने राजनीतिक क्षेत्र में, या कृषि व्यवसाय के क्षेत्र में, या बाग बगीचा के क्षेत्र में, यानी आजीविका अथवा अन्य कोई यात्राओं के संदर्भ में हमें घर से जाना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी में भोजन किया और जल्दी जल्दी में अपना सामान संभाला, कभी कभी सामान रह भी जाता है, कोई बात नहीं, और हम घर से निकल जाते हैं। हमें उससे पूर्व चाहिए केवल मात्र दो विधियाँ। पहली, हमारे मालिक कौन है? हमारे मालिक हैं हमारे भगवान। और हर सनातन परिवार में, हर घर में एक छोटा सा मंदिर, या कहीं पर भव्य मंदिर, या जैसा घर है और जैसी श्रद्धा है, एक ठाकुर जी का मंदिर जरूर होता है। आप संपूर्ण कार्य करने के पश्चात अगर मंदिर तक आप जूते नहीं ले जाते हैं, तो इतनी भी आपको छूट है कि जहाँ से मंदिर आसानी से दिख सकता है, वहाँ से मन ही मन भगवान को प्रणाम करें और बोलें, प्रभु मैं घर से इस कार्य के लिए जा रहा हूँ। मन ही मन बोलने की जरूरत नहीं, मन ही मन संकल्प करें, और लगभग इतने समय तक मैं वापस लौट के आऊँगा, बस इतना कहना है, इतना कहना है और निकल जाना है। दूसरा, इसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहूँगा, आज के बच्चों में, आज की नई पीढ़ी में एक इस प्रकार का कुछ कल्चर डेवलप होता जा रहा है कि कब घर से जाते हैं, कब घर को आते हैं, किस कार्य से जाते हैं, कब जाते हैं, इसका कोई किसी को पता नहीं होता। उन समस्त नवयुवक अथवा वृद्ध अथवा जो भी घर के प्राणी हैं, अपने किसी भी कार्य से निकलते हैं, तो पहला, जैसे मैंने भगवान के लिए आपको आज्ञा लेने के लिए बताया, अब जाते समय का एक नियम और है, घर में जो भी तुम्हारे कोई वरिष्ठ जन हैं, ऐसा नहीं अगर आप कहीं जा रहे हो जो बताने लायक है अथवा नहीं है, ऐसा भी जरूरत नहीं, आप इतना भी कह सकते हो मैं किसी कार्य से, मम्मी पापा दादा चाचा जो भी तुम्हारे घर में हैं, इस कार्य के जरूरी कार्य से जा रहा हूँ, लगभग इतने बजे मैं आऊँगा, इतना आपको अनुमति ले कर जाएँ। तो पता है इससे क्या होता है कि मार्ग की एक यात्रा नाम की देवी है जिसका नाम होता है पथवारी। पथवारी जो पथ की हमारी रक्षा करने वाली होती हैं, उन दोनों देवियों का निवास स्थान अपने घर के मंदिर में और घर के बुजुर्गों के पास होता है, उनसे आज्ञा लेके चले जाएं। खूब अपना कार्य करें, विलम्ब भी हो सकता है, समय से पूर्व भी आ सकते हैं, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है और होता भी है। आते ही सबसे पहले जहाँ से भी ठाकुर जी आपको जूता पहने आए, तो भी हाजिरी दे दो, प्रभु मैं वापस घर आ गया हूँ। घर में जो भी आपके वरिष्ठ जन हैं, उनसे आप कह दें कि मैं वापस आ गया हूँ, बस
इतना कहेंगे और इतना करेंगे, पाएंगे जीवन में अपूर्व सुख, समृद्धि, सफलता और सुरक्षा का एक अभूतपूर्व खजाना। ऐसा ही हमारे कुछ जीवन की ये आदर्श हैं, ऐसे कुछ नियम हैं जिसमें हमारी पुराने धर्म की संस्कृति की और धर्म संस्कृति के साथ में विज्ञान की एक कोई ना कोई खोज छुपी हुई है। इस खोज को पहचानो, इस कल्चर को अपनाओ, इस व्यवहार को अपनाओ और पाओ अपने जीवन में एक आत्म सुख समृद्धि। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा और जय श्री राधे।